आज है 10 जून 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक चलाएंगे अभियान, 17 जून से घर घर देंगे दस्तक। स्कूल से दूर हुए बच्चों की खोज के लिए 17 जून से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। हर प्राइमरी स्कूल के 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र में प्रत्येक घर पर दस्तक देकर गुरुजी ये पता लगाएंगे कि कहीं कोई बच्चा स्कूल जाने से रह तो नहीं गया, या फिर पहले स्कूल जा रहा हो और बाद में उसने स्कूल जाना बंद कर दिया हो। 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी, यूपी शिक्षा सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द। बेसिक माध्यमिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अलावा प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अध्यक्ष का इंतजार है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। प्रमुख सचिव व उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल फिलहाल आयोग के अध्यक्ष का भी पदभार संभाल रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठने के लिए भी देने होंगे पैसे, सभी सुविधाएं पेड कर दी। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर फ्लाइट्स के हजारों रुपए का टिकट लेकर आने वालों के लिए बैठने की भी व्यवस्था तक नहीं। यदि कोई समय से ज्यादा पहले आ गया तो बाहर या टर्मिनल के भीतर बैठने की कोई जगह नहीं। चेक इन कराकर भीतर जाने पर लाउंज में बैठने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। लाउंज के बाहर भी यात्रियों को खड़े नहीं होने दिया जाता, एक तरह से भुगतान कर लाउंज में बैठने को मजबूर किया जाता है। यूपी के स्कूल्स में तबादले की कवायद शुरू। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2024-25 के तहत तबादले की कवायद शुरू हो गई। हर साल की तरह इस बार शिक्षक के तबादले तो होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बांदा और प्रयागराज के इन स्कूल की तरह प्रदेश भर के सैकड़ों राजकीय विद्यालयों में कई साल से चली आ रही शिक्षकों की कमी दूर होगी। एक तरफ राजकीय स्कूल से टॉपर निकलने की बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है, विद्याधन छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू। हर साल मिलेगा 10,000। इस वर्ष 10वीं पास छात्रों के लिए विद्याधन आज छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में 2 लाख की वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के 10वीं पास छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर जाकर विद्यार्थी सीधे आवेदन कर सकते हैं। वृद्धा महिला पेंशन की आ गई डेट, सीएम योगी ने दिए भेजने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन तथा कुष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खातों में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। नोएडा सेक्टर 27 में सस्ते और सुंदर फ्लैट बनाने की तैयारी, गेजा गांव में बनेगा ब्रह्म सरोवर। नोएडा सेक्टर 27 में किफायती फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने सेक्टर 27 में बने स्टाफ क्वार्टर की स्थिति देखी। ये करीब 35 साल पहले बने थे, अब ये खस्ता हालत में है। प्राधिकरण अधिकारी का कहना है कि अब नई जगह, नए सिरे से स्टाफ क्वार्टर के साथ साथ आम लोगों के लिए किफायती फ्लैट बनाने पर विचार किया जाएगा। लखनऊ से 13 मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बसेस, आसान होगी यात्रा। चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही लखनऊ के नए रूट्स पर रोडवेज बसेस चलाने का रास्ता साफ हो गया। लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत नए फॉर्मुलेट मार्ग पर बसें चलाने की मंजूरी मिल गई। जैकेसर बाग बस अड्डे समेत कई क्षेत्रों से 13 मार्गों पर बसेस चलेंगी। परमिट जारी करने के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। कार्डधारक हर हाल में कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। राशन कार्ड धारक 15 जून तक हर हालत में ईकेवाईसी करा लें, वरना उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों का ईकेवाईसी कराना बेहद जरूरी है। सभी कोटेदारों को निर्धारित समय में इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी का कार्य ई पॉश के माध्यम से कराए जाने को कोटेदारों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से दिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन में होगी आसानी, काशीवासियों के लिए अब अलग लाइन। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन पूजन के लिए काशीवासियों की अलग लाइन होगी। मंदिर प्रशासन ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित विभागों से सहमति ली जाएगी। मंदिर अधिकारियों के अनुसार महीने के अंत तक निर्णय लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। गर्मी से बुखार, डायरिया, हाथ और सांस की बढ़ रही समस्या, 9 दिन में 5 बच्चों सहित 10 की मौत।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लगातार पड़ रही गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रविवार को भी 9 माह के एक बच्चे की बुखार की चपेट में आने से मौत हो गई। पिछले 9 दिन में जिले में 10 मरीजों की मौत हुई, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं। सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट ने तूल पकड़ लिया। छिड़वा भादी गांव में देर रात दो पक्षों के बीच संघर्ष में दर्जन भर लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले में 4 आरोपितों को पकड़ा गया है। शहर में विकास को मिलेगी गति, प्राधिकरण इन इलाकों में खर्च करेगा करोड़ों रुपए। आचार संहिता हटते ही नोएडा में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने हाल ही में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और करीब आधा दर्जन परियोजनाओं को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। शहर में होने वाली विकास परियोजनाओं का कागजी कामकाज पूरा कर लिया गया है, अब इन्हें जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई। 18 जून को होने वाली इग्नू टीईई परीक्षा स्थगित, अब इस तारीख को होंगे एग्जाम। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस महीने होने वाली टीईई जून 2024 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। टीईई यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन परीक्षा 18 जून को होनी थी, लेकिन उसी दिन यूजीसी की नेट परीक्षा 2024 होनी है। ऐसे में जिन बच्चों ने इग्नू टीईई के साथ यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के लिए आवेदन किया, वे 18 जून को नेट परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे में इग्नू ने टीईई परीक्षा 2024 को स्थगित कर नई तारीख जारी कर दी। अब 18 जून को होने वाले सभी पेपर 23 जून को आयोजित किए जाएंगे। गोरखपुर का ये स्थान पिकनिक स्पॉट के रूप में होगा विकसित, सुंदरता देख हर कोई हो जाएगा खुश। योगीराज बाबा गंभीरनाथ मुक्ताकाशी मंच जैसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियां अभी वीरान सी नजर आती हैं। प्रेक्षागृह में कुछ सरकारी व निजी कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आम लोगों का यहां आना जाना नहीं होता। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी प्राधिकरण को कोई आय नहीं होती। इस स्थिति को बदलने के लिए प्राधिकरण ने यहां लोगों के मनोरंजन की सुविधाएं देने का निर्णय लिया। सुविधाएं ऐसी होंगी कि लोग यहां भी पिकनिक मनाने घूमने पहुंच सकेंगे। सड़क पर उतरे अफसर, रोडवेज की 6 बसें सीज, जाने कितने कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगा। गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड के सामने लग रहे जाम का संज्ञान लेकर अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर खड़ी बसेस को हटाकर रोडवेज परिसर में खड़ा करवा दिया। पुलिस ने यातायात बाधित कर सवारी भर रही 6 बसेस को कैंट थाने लाकर सीज कर दिया। सेवानिवृत्ति के 2 साल पहले गृह जनपद में नियुक्ति बाध्यकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले गृह जनपद में नियुक्ति पाना कर्मचारी का अधिकार है। इस नियम का पालन करना अधिकारियों पर बाध्यकारी है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र सिंह की विशेष अपील पर। यूपी के कई शहरों में 12 जून तक लू का कहर, 13 से बढ़ेगी रात की गर्मी। जून का पहला हफ्ता खत्म हो गया, लेकिन भीषण गर्मी, उमस और गर्म हवाओं से राहत नहीं है। हीट वेव का अलर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा में अब 12 जून तक गर्म हवाओं के थपेड़ों की चेतावनी जारी की गई। इस बीच मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में मॉनसून का करंट कमजोर रहने के कारण 31 मई से उप हिमालयी क्षेत्र स्थित पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में रुका हुआ है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 15 जून से बंगाल की खाड़ी में मॉनसून के करंट में सुधार हो। मुख्तार के शूटर से जुड़े केस में आज आ सकता है फैसला। बंदी को बहाने पीटने के मामले में जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल व मुख्तार के शूटर अंगद राय व गोरा राय के मामले में आज सोमवार को फैसला आ सकता है। 7 जून को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बहस पूरी की। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा के लिए आज 10 जून की तिथि निर्धारित। कानपुर के इस मार्केट से छांट छांट के खरीदे सस्ते और ब्रांडेड कपड़े। उत्तर प्रदेश के बिजनेस कैपिटल कानपुर कई कारणों से लोकप्रिय है। यहां आपको एक नहीं अनेक मार्केट्स मिल जाएंगी, जहां से आप सस्ती और अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। खासतौर पर स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए कानपुर शहर में आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। ऐसे ही एक स्ट्रीट मार्केट के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे परेड मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट से आप सस्ते और ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप परेड मार्केट से सस्ते फुटबियर भी खरीद सकते हैं। अवैध निर्माण पर विशेष अभियान चलाकर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। GDAVC अतुल वत्स के निर्देश पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। OSD व Zone 1 और Zone 2 प्रवर्तन प्रभारी कनिका कौशिक ने मौके पर जाकर क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर होता अवैध निर्माण तत्काल बंद कराया।
डीडीओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि प्राधिकरण के जोन एक अंतर्गत गांव मोटा मोटी के क्षेत्र का प्रवर्तन दल के साथ निरीक्षण किया गया। जुलाई से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। पहली जुलाई को गोरखपुर की उपलब्धियों की किताब में एक सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा। इस तारीख से गोरखपुर में बने सैनिक स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में 75-75 सीटों पर दाखिला हो चुका है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल योगी सरकार का खास उपहार है। गोरखपुर का सैनिक स्कूल सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। इसके शिलान्यास के बाद भी वो कई बार इसके निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन निरीक्षण करने आते रहे हैं। शिवपाल यादव ने चला मुलायम का वो दांव जिसे भाजपा न समझ पाई। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का भी राजनीति की गलियों में अपना दबदबा है। सियासी अखाड़े में धुरंधरों को अपने चरखा दांव से चित्त करने वाले मुलायम उनके भाई ही नहीं राजनीति गुरु भी थे। उन्हीं से सीखे हुए सियासत के दांव पेच लगाकर शिवपाल ने इस बार ऐसी बिसात बिछाई कि भाजपा कई सीटों पर चारों खाने चित हो गए। जियो का नया यूपीआई ऐप लॉन्च, फोन पे पेटीएम की बढ़ी टेंशन। मुकेश अंबानी डिजिटल स्पेस में तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अभी तक भारत के ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में भारतीय कंपनीज की गैर मौजूदगी है। हालांकि अब मुकेश अंबानी सेक्टर में एंट्री की तैयारी में है। इसके लिए मुकेश अंबानी एक सुपर ऐप जियो फाइनेंस ला रहे हैं, जिससे दिग्गज पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को जोरदार झटका लग सकता है। अब मैनुअल नहीं सॉफ्टवेयर से लगेगी रोडवेज बसेस में ड्राइवर कंडक्टर की ड्यूटी। ड्राइवर व कंडक्टर की ड्यूटी लगाने में पेश आने वाली समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। ड्यूटी समय से लगने पर बसेस को समय से रवाना किया जाएगा और बसेस लेट नहीं होंगी। रोडवेज प्रशासन ने ड्राइवर्स व कंडक्टर्स की ड्यूटी सॉफ्टवेयर से लगाने की योजना बनाई। इसके तहत एक महीने तक ट्रायल किया गया। ट्रायल में 60% ड्यूटी लगाने में सफलता मिली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।